सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि राठौर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं यूट्यूब का जो बाय डिफॉल्ट ऐप जो कि मोबाइल में पहले से ही मौजूद होता है, उससे अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या वो मोनेटाइज ऑटोमेटिक होती है या नहीं। और दूसरी बात हम करने वाले हैं यूट्यूब का जो डेस्कटॉप वर्जन, जो कि गूगल में जाकर हम यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड पर डालकर चलाते हैं, उससे हम यूट्यूब पर वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो क्या ऑटोमेटिक मोनेटाइज होती है या नहीं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आप मोबाइल का बाय डिफ़ॉल्ट ऐप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं इससे, तो इससे आपको नुकसान एक तरीके से हो सकता है, जो कि हम आपको आगे अभी बताने वाले हैं। अगर आप अपने यूट्यूब का जो गूगल क्रोम से अगर आप यूट्यूब को डेस्कटॉप ऑप्शन ऑन कर अगर वहाँ से आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। पहले हम डिफ़ॉल्ट यूट्यूब ऐप पर वीडियो अपलोड करके देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे हमारे गूगल क्रोम में जाकर यूट्यूब के डेस्कटॉप साइट से वहाँ से ओपन करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो देखते हैं वहाँ से कुछ फ़र्क आपको दिखाई देगा या नहीं। दोनों ही चीज़ हम एक एक करके देखते हैं और आपको उसका फ़ायदा या नुकसान बताते हैं। तो चलते हैं, हम हमारे मोबाइल के बाय डिफ़ॉल्ट ऐप से पहले वीडियो अपलोड करते हैं, इसके बाद हम मोबाइल से ही हमारे गूगल क्रोम में जाकर डेस्कटॉप ऑप्शन को ऑन कर वहाँ से वीडियो अपलोड करके देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम YouTube के बाय डिफ़ॉल्ट ऐप पर जाकर हम किसी भी वीडियो को अपलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने कुछ डेमो बना के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए हम हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ऐप पर जाकर किसी भी प्रकार की एक वीडियो अपलोड करके देख लेते हैं। चलिए हम अपलोडिंग वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें हम किसी भी पहले वीडियो को ले लेते हैं। ये देखिए, ये हो गई। यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, बीसी, डिस्क्रिप्शन। देखिए, सिर्फ हमें दो चीज़ यहाँ पर फिल करने को मिलती है, बाकी आप कुछ भी फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस येलो एरो पर आपको क्लिक करना होता है, जहाँ से आप वीडियो डायरेक्ट अपलोड होने लगती है। ये देखिए, ये आपकी वीडियो अपलोडिंग के लिए तैयार है। ये देखिए, बहुत ही फास्ट हो रही है क्योंकि मैंने कम साइज़ का वीडियो बनाया हुआ आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए। ये देखिए, हमारी वीडियो रेडी टू वॉच यानी देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम जाकर हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन होता है गूगल का, वहाँ से हम जाकर यानी हमारे जो YouTube का डेस्कटॉप वर्जन होता है, यहाँ जाकर हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज हुई है या नहीं, आपको यही देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमें ये तो बेसिकली आप सभी को पता ही होता है कि यहाँ पर आपको अपना टाइटल, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको टैग देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर थंबनेल का यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ पर जाकर आप किसी भी प्रकार का कोई भी थंबनेल आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तीन थंबनेल आते हैं, जिसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियो रेडी है। ये देखिए, इसकी प्रोसेसिंग भी ऑन हो गई है। बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। ये देखिए, हम बीच वाले को बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल बना लेते हैं अभी। इसके बाद हमें इसे पब्लिश करना होगा जब यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग है वो 95% से 100% डन लिखा हुआ जब तक नहीं आएगा हमारे पास, हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते, नहीं तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट वीडियो में हो जाएगी सेव। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें रुकना होगा कुछ देर। ये देखिए, प्रोसेसिंग डन लिखा आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियो पब्लिश हो चुकी। अब हम चलते हैं और हम जो अभी का करंट का स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि हमने दोनों ही प्रकार से यानी हमारे YouTube का बाय डिफ़ॉल्ट ऐप होता है उससे भी हमने हमारे वीडियो अपलोड किए और हमने जो ब्राउज़र में जाकर YouTube का जो डेस्कटॉप ऑप्शन ऑन करके वहाँ से हमने वीडियो अपलोड की है, तो वहाँ से भी हमने वीडियो अपलोडिंग का सिस्टम कंप्लीट कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा वीडियो का जो मोनेटाइजेशन वो ऑन है और किसका नहीं है। तो चलिए आगे की वीडियो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चेक कर लेते हैं हमारे YouTube का, जो हमें ये चेक करने के लिए हमें हमारा YouTube का डेस्कटॉप मोड ही ऑन करना होगा, इससे हमें पता लग पाएगा कि हमारी कौन सी वीडियो मोनेटाइज है या नहीं। तो चलिए हम जाते हैं हमारे वीडियोस में, वहाँ जाकर हमें पता लगेगा कि हमारी कौन सी वीडियो है वो मोनेटाइज ऑटोमेटिकली ऑन हुई है या नहीं। वीडियो मैनेजर पर हमने क्लिक कर दिया है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली वीडियो है जो कि हमने बाद में अपलोड की थी वो भी YouTube का जो डेस्कटॉप ऑप्शन ऑन कर, तो ये जो हमारी बाद वाली वीडियो, ये देखिए आपको डॉलर का साइन दिख रहा होगा पहला वाला, ये इस पर 73 व्यूज़ भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे कमेंट तो आए होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद जो नीचे आप 32 व्यूज़ वाली वीडियो देख रहे हैं इस पर मोनेटाइज सन ऑन नहीं हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप YouTube के बाय डिफ़ॉल्ट ऐप से अगर आप अपलोडिंग सिस्टम ऑन करते हैं या वहां से आप अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें, अगर आप YouTube के बाय डिफ़ॉल्ट ऐप से अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे YouTube का जो डेस्कटॉप ऑप्शन है उसे ऑन कर वहाँ जाकर आप उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन किए, नहीं तो आपके जो वीडियोस पर जो अर्निंग होगी वो बंद रहेगी हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स देखा आपने, अगर आप मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बहुत ही कम ऑप्शन भरने होते हैं और आपका अगला चरण यही होता है कि आप इस पर क्लिक करें और आपके वीडियो की अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस होती है जिससे कि आपका YouTube पर वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है मोनेटाइजेशन ऑन की वो नहीं हो पाती है, ठीक है। और अगर आप YouTube मोबाइल से ही या ना गूगल क्रोम में जाकर आप YouTube का डेस्कटॉप ऑप्शन ऑन कर वहाँ से अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी पहले ही पेज पर भरनी होती है और मोनेटाइजेशन की बात करें तो ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल के बाय डिफ़ॉल्ट ऐप से अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसको मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए बाद में आपको उस वर्जन को डेस्कटॉप वर्जन को ऑन करना होता है या तो फिर आपको कंप्यूटर से उस वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑन करनी होती है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि क्या होता है नए जो भी लोग यूट्यूब से जुड़ते हैं उन्हें बहुत कम पता होता है, क्योंकि यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप होता है वहाँ पर भी अपलोडिंग का सिस्टम ऑन होता है लेकिन वहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन है या नहीं ये चेक नहीं होता है। लेकिन अगर हम गूगल में जाकर उसको डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर वहाँ से अगर हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये मोनेटाइज ऑटोमेटिकली ऑन रहती है, इससे हमें अलग से किसी प्रकार के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन फिल करने को मिल जाते हैं, जैसे टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, टेक्स्ट हुआ और थंबनेल, सारी जानकारी एक ही पेज पर हमें फिल करने को मिल जाती है। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान दें, अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो मोनेटाइजेशन ऑन होना या ना होना ऐप के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी आज की वीडियो में आपको बताना था। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।